तो है फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी फ्रेंड आप लोग को हम वाराणसी का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया दिखाने जा रहे हैं और अभी हम हैं अतारा पुल के नीचे। तो फ्रेंड ये रास्ता जो देख रहे हैं ये DLW के लिए चला जाएगा और यही रास्ता मड़ुआडीह चौराहे के लिए चला जाएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग को शिवदासपुर का पूरा रास्ता दिखाएंगे जहां पर रेड लाइट एरिया पड़ता है। ठीक फ्रेंड, और इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताएंगे कहां से कैसे जाया जाता है। तो वीडियो आप लोग पूरा स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। और फ्रेंड जो लोग कैंट स्टेशन से आते हैं, कैंट स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे कोई भी टेम्पो या ऑटो कोई भी पकड़ने के बाद बोल देंगे हमको मड़ुआडीह चौराहे के 50 मीटर पहले छोड़ दीजिए, शिवदासपुर में जाना है। तो फ्रेंड आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा पूरा शिवदासपुर रेड लाइट एरिया जाने का पूरा रास्ता। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई बस दिखा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाना है, फिर कमेंट करेंगे बाद में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिए। और इसका फ्रेंड वर्तमान में स्थिति ये है जो कि और मतलब लेडीज़ जो हैं वहाँ पर रहती हैं शिवदासपुर में रेड लाइट एरिया में, इस टाइम नया नया बहुत ज़्यादा आई हैं। तो आइए आप लोग को दिखाते हैं और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और फ्रेंड जो लोग बाहर से आ रहे हैं थोड़ा यहाँ पर सावधानी से आइए, ऐसे हालांकि यहाँ पर लूटपाट नहीं होता है, लूटपाट सिर्फ होता है तो कैंट स्टेशन पर होता है जो शाम के टाइम रहती हैं खड़ी, और यहाँ पर तो लूटपाट नहीं होता है। बट ये बोलना चाहेंगे कि आइए तो थोड़ा सावधानी से आइए। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। और फ्रेंड ये बनारस का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। तो ये देखिए रास्ता आप देख रहे हैं, देसी शराब की दुकान, और यहाँ पर देखिए एक दुकान भी है। यही रास्ता फ्रेंड अंदर जाएगा, थोड़ा सा अंदर जाने के बाद आप लोग को दिखाई देगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं। जो फ्रेंड बाहर रास्ता दिखाए हैं देसी शराब की दुकान, ये याद रखिएगा यहीं से मुड़ना है। ठीक है, तो यही रास्ता यहाँ से फ्रेंड स्टार्ट होता है। और यहाँ पर फ्रेंड थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है। तो देखिए ये सामने देखिए बैठी हुई है, और इधर ये देखिए खड़ी है, यहाँ पर भी देखिए बैठी है। और फ्रेंड ये सिर्फ बाहर मत देखिएगा, अंदर भी सारी लड़कियाँ रहती हैं, बाहर सारे लोग नहीं खड़े रहते हैं, बस बाहर कुछ ही लोग रहते हैं, अंदर रहती हैं। ठीक फ्रेंड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही कम से कम आधा किलोमीटर लंबा हर एक रूम में सब लोग रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये देखिए बैठी हुई हैं, सब लोग खड़ी हैं, और आगे भी हैं, यहाँ देखिए दो चार लोग बैठी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब आगे चलते चलते बहुत जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 4-5 लोग हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड, आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से जितना हो सका है दिखा दिए। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।